ऐसा काहे दिखा रहा है? 11। मैं क्या बताया था, विंडोज आर दबाना है पहले, ठीक। यहाँ पे लिखना है CMD, एंटर मारने के बाद आपका ओपन हो जाएगा। इस लाइट का मैं क्या करूँ, दिमाग खराब कर दिया है लाइट। रुको, थोड़ा बहुत क्लियर आ रहा है। मैं आऊँगा स्टार्ट मेनू पे, ठीक है। और ये विंडोज 10 है, आपको मालूम है ये बात, ठीक है। सीधा मैं टाइप करना शुरू कर दूंगा COM यहाँ पे, ठीक है। COM तो आ गया यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कर दूंगा एंटर तो एक कमांड प्रॉम्प्ट जो है खुल जाएगा, ठीक। CD:\Enter, CD:\Enter या फिर क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, CNS करके एंटर मारूंगा, ठीक है। तो जो मैं DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था उस समय पे, ठीक है, वो यही है DOS, ठीक है। इसको मैं फिर से निकालता हूँ प्रोजेक्टर का केबल, ठीक है, और फिर से लगा रहा हूँ, ठीक। कहाँ से कहाँ तक ये कर रहा है रिकॉर्ड, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, हो रहा होगा, ठीक है। आपको ऊपर दिखाई तो दे रहा है ना, ऐसा, ठीक। चलो इतने से काम चला लेंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, C:\Greater than, ठीक। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक। यही है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम कमांड देंगे, ठीक है, तो टाइप कमांड देंगे और उससे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या खुलेगा, ये सब ऑप्शन खुलेगा, मूव, ऐसे मूव कर पाऊँगा मैं, जहाँ पे एंटर करूँगा वहाँ पे रखा जाएगा ये कंप्लीट विंडो। मिनिमाइज से मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, पर मैक्सिमाइज शायद 7 में ना हो, लेकिन हो जाता है। ये देखिए, इससे ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, एडिट पे आऊँगा तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। डिफॉल्ट पे आऊँगा, ये पूछ रहा है फॉन्ट साइज, मैं मीडियम कर दूँगा तो देखना क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ क्या, कुछ तो बढ़ा होगा। लार्ज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है, हाँ ये तो मजा नहीं आ रहा है इसे में, ठीक है। चलो मैं इसको फॉन्ट में आता हूँ, इसको कर देता हूँ 24। अब तो ये बाप बाप करके बड़ा होगा, अब भी कुछ नहीं हुआ, मजा नहीं आया है तो, ठीक है। ये क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ कंप्यूटर जो है। 24 कर दिया, इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ, लेआउट कैसा होगा, हाइट वेट इसको यही छोड़ देता हूँ, कलर कौन सा चाहिए यहाँ से बदल सकते हो आप ऐसे, ठीक है। मैं यही कलर रहने दूँ क्या, मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपेसिटी है ये, ठीक है। बैकग्राउंड में ये है, ओके कर दिया मैं, कुछ भी काम ही नहीं किया यार ये तो, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक। अब यहाँ पे उसे मैं क्या करूँगा, लार्ज, ठीक। अब कर दिया ओके, ठीक। अब भी कुछ नहीं हुआ, ये तो हद पार हो गया मजाक का, ये कितना बड़ा मजाक कर रहा है बताओ कमांड प्रॉम्प्ट हमारे साथ। फॉन्ट में आ जाता हूँ, इसको भी कर देता हूँ 28, ठीक है, फिर ओके कर दिया, ये क्या मजाक। अच्छा अभी सीरियस ले लिया बात को, अच्छा अभी बात को सीरियस ले लिया जो है, ठीक है। इसमें आया, मैं 20 रहने देता हूँ, ठीक है। लेआउट में आऊँगा,
पता नहीं हाइट विड्थ ये सब है, रहने देता हूँ यही हाइट विड्थ, कलर को बदल देता हूँ यहाँ से, ये कर दूंगा ठीक है। और ये देख लो यही है ओपेसिटी, ओके कर देता हूँ मैं ठीक है, ऐसा हो गया ठीक है। लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया, फिर से जाऊंगा मैं प्रॉपर्टी में ठीक है, स्क्रीन का टेक्स्ट को क्या कर दूंगा मैं, वाइट ही रहने दूंगा, बैकग्राउंड स्क्रीन क्या कर दूंगा रेड, टेक्स्ट का कलर क्या कर दूंगा ये, इसको क्या कर दूंगा ये ही रहने दूंगा, कर दूंगा मैं ओके। अब ऐसा होने लगा ये ठीक है, इसको मैं एग्जिट मारूंगा ऐसे ठीक, विंडोज आर सी एम डी एंटर, ये देखिए आ गया पूरा। वो क्या बता रहा था कि डिफॉल्ट क्या होना चाहिए ठीक है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन था ना वो डिफॉल्ट बता दे रहा था। स्क्रीन का टेक्स्ट जो है क्या कर दूंगा मैं ब्लैक, ओके कर देता हूँ अब ठीक है, नहीं बदलाव हुआ है ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ ठीक है, क्या मजाक है ना यार, तो ये देख लो ये ब्लैक कर दिया ठीक है, तो यही मजाक कर रहा था वो ठीक है। अब आप लोग को भी समझ में आ ही गया होगा कितना बड़ा मजाक हो गया ठीक है। तो चलिए COLLOR टाइप किया, एंटर मारा मैं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ कोड टाइप कर देता हूँ मैं ऐसे, एंटर मारा, अब क्या बोल रहा है ये देख लो, बोल रहा है 0 से ब्लैक होगा, 1 से ब्लू होगा, ग्रीन होगा, 2 से हेल्प आ गया ठीक है, एंटर मारूंगा तो ये आ जाएगा ठीक है, COLOR स्पेस 5 एंटर, ऐसा हो गया। फिर कलर में ए मारूंगा तो ऐसा हो जाएगा, क्या मजा आ रहा है यार, ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे करके ए टाइप कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ठीक है, बी टाइप कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मुझे ए वाला ही पसंद है तो मैं ऐसा कर लूंगा ठीक है, सी कर दूंगा तो ये आ जाएगा, मजा नहीं आया, बी कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ए करूंगा तो ये आ जाएगा। तो एक कमांड से भी आप ये सब कर सकते हो ठीक है ठीक। तो एक कलर वगैरह समझ में आ गया होगा आपको, येलो यहाँ पे देखिए बता रहा है, ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड ये सब बाकी चीजें ठीक है, आप ये देख लिया करना ठीक है। CLS से क्या होता है, स्क्रीन पूरा क्लियर होता है ठीक है। हम लोग अभी क्या सीख लेते हैं, फोल्डर बनेगा कैसे, फोल्डर डिलीट कैसे होगा, हम किसी फोल्डर के अंदर जाएंगे कैसे, और क्या फाइल कैसे बनेगा, जैसे नोटपैड से आप फाइल बनाते हो ना वो फाइल कैसे बनेगा, और फिर वो फाइल को हम डिलीट कैसे करेंगे, उस फाइल में हम एडिटिंग कैसे करेंगे, ये दो तीन काम आज सीख लेते हैं, बाकी काम को अगले दिन सीख लेंगे, डॉस खत्म हो जाएगा अपना ठीक। चलिए CD डबल डॉट जब मैं करूंगा तो एक फोल्डर पीछे आ जाएगा ठीक, एक फोल्डर पीछे आ गया ना, ये फोल्डर था ये फोल्डर था, फिर CD डबल डॉट करूंगा तो फिर एक फोल्डर पीछे आ जाएगा ठीक है। CD मैं करूंगा फिर स्पेस दबाऊंगा ठीक है, नहीं मैं यहां करूंगा DIR कर दूंगा एंटर ठीक, तो सी ड्राइव के अंदर जितना फोल्डर है वो सब मेरे को दिखाई दे रहा है, ड्राइव मैंने डायरेक्टरी इंटेल है पता नहीं क्या क्या है ये सर ठीक है, डबल क्लिक किया खुला ये ठीक है, विन 10 में गया, इसके अंदर इतना सारा फोल्डर है तो वही फोल्डर ये दिखा रहा है ठीक है, ये देख लो ठीक। हाइड फोल्डर जो है उसको नहीं दिखा रहा है ये, मैं हाइड फोल्डर को हाइड ही कर देता हूँ ठीक है, ये देख लीजिए ठीक। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ माई फोल्डर ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अप एरो दबाऊंगा तो पिछला कमांड आ जाएगा, एंटर मारूंगा तो आ जाएगा, ये देख लो मैं जो फोल्डर बनाया था ये आ गया ना यहाँ पे, तो DIR कमांड से पूरा हम देखते हैं लिस्ट फाइल और फोल्डर का ठीक। DIR का मतलब आपको समझ में आ गया ठीक है,
DIR कमांड आप लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है, HELP लिख के एंटर मारोगे ना तो ये सारा कमांड का लिस्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक। और मान लो कि ये कमांड आपको सेव करके कहीं रखना है, ठीक है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, HELP स्पेस COMMAND.txt ऐसा करोगे, ठीक है, ये लिख के मार दोगे एंटर, ठीक। ये तो एक्सेस डिनाइड बोल दिया, एंटर, एक्सेस डिनाइड क्यों, अब तो चला जा, अब भी नहीं जाएगा क्या, रिडायरेक्ट तो होता है, कैसे होता है मैं भूल गया क्या, इससे भी सिस्टम कांट ये लो, अब भी नहीं हुआ, लगता है मैं भूल गया शायद, cmb.txt नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डी लिख के ये करता हूँ ऐसे, ठीक, ये भी नहीं जाएगा, मैं एग्जिट मार दूंगा ऐसे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, विंडोज आर cmd नहीं, ऐसे नहीं, इस पे आऊंगा, ठीक है, cmd यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक ठीक है, ये कर लिया मैं ऐसे, cd ठीक, फिर फॉरवर्ड स्लैश दूंगा या फिर बैक स्लैश दूंगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, सारा फोल्डर को से बाहर आके चला जाएगा सीधा सी वाले में, ठीक, DIR मारूंगा आ गया इसमें, ठीक, CLS मारूंगा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक, CLS से स्क्रीन क्लियर होता है, आपसे हो सकता है पूछा जाए इंटरव्यू वाइवा में, क्या बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, तो आप बता देना, ठीक, HELP स्पेस ये, फिर cmd.txt, चल भाई अब हो गया अपना, ठीक, पहले एक से डिनाइड बोल रहा था, अब जो एक से डिनाइड नहीं बोला बना दिया, कहाँ बनाया होगा, सी ड्राइव में, ये देख लीजिए सीएमडी के अंदर आ गया, ठीक। अब इसको डबल क्लिक किया तो ये देखिए सारा आ गया ना कमांड इसमें, ये देख लीजिए सारा कमांड जो है जितना हेल्प करके एंटर मारे थे वो सारा इसमें आ चुका है, ठीक। फिर यहाँ पे आइए, DIR लिखिए, फिर स्पेस डालिए, कुछ नाम दीजिए, फिर .txt करके एंटर मार दीजिए, तो क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड, ऐसे करके मैं करूँगा, ये बन गया फाइल, ठीक है, और यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे देखिए पूरा नाम आ गया ना डायरेक्टरी का और फाइल का, पूरा फाइल फोल्डर का टोटल नाम, ठीक। तो ग्रेटर देन दे करके, ठीक है, जैसे मैं ड्राइव लिखा, ठीक, ग्रेटर देन दिया, फिर स्पेस दिया, फाइल का नाम कुछ भी देके .txt से एंटर करूंगा तो क्या होगा, इसका जो जितना रिजल्ट आएगा, ठीक, उस टेक्स्ट फाइल में जा करके वो स्टोर हो जाएगा, जैसे एंटर मारा तो ये सारा यहाँ पे आ गया ना रिजल्ट, ये डायरेक्टरी है, ये फोल्डर है, ठीक, तो सारा जो है फाइल में, इस सबको फाइल में स्टोर कर देता है, ठीक, ये बात आपको क्लियर है। चलिए DIR में मार के एंटर मारा, ये मैंने फोल्डर बनाया था ना, माई फोल्डर में बनाया था, फिर CD दबाऊंगा, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, फिर फोल्डर का नाम दूंगा माई, फिर क्या दूंगा फोल्डर, ठीक, लिखा, मार दिया मैं एंटर, ठीक, तो मैं इस फोल्डर के अंतर्गत अब आ गया, ठीक है। अब इस फोल्डर में अंदर क्या क्या है, फाइल क्या क्या है, फोल्डर, उसको देखना है तो क्या करूंगा, DIR कमांड मारूंगा, ठीक है, एंटर मारा तो यहाँ पे बोल रहा है डबल डॉट और यहाँ पे सिंगल डॉट डबल डॉट लिख रहा है ना, मतलब क्या बोल रहा है, सिंगल डॉट डबल डॉट, सिंगल डॉट का मतलब कि करंट फोल्डर में और डबल डॉट का मतलब एक एक फोल्डर बैक में, ठीक, बोल रहा है जीरो फाइल टू फोल्डर, ठीक, दो टू फोल्डर पर ये है नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, बता रहा है कि फ्री स्पेस हमारे पास कितना है ये बाइट में, ठीक है, तो इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फोल्डर बना लेंगे, MD से फोल्डर बनता है, ठीक,
स्पेस मारूंगा मैं, लेकिन पहले इधर आके आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यही था ना मेरा फोल्डर, यहाँ पे अभी कोई फोल्डर नहीं है। चलिए एम डी लिखा, फिर ए सी एम एन टी कर दिया, ठीक, एंटर मारा, ठीक है। ये देखिए फोल्डर बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, ठीक है। मैं उसमें अब इस फोल्डर को तो बना दिया, मैं इस फोल्डर में जब जाना चाहूँगा तो कैसे जाऊँगा, सी डी करूँगा, फिर ए सी एम एन टी करके एंटर मारूंगा तो इस फोल्डर में चला जाऊँगा। अब मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। इस फोल्डर के अंदर क्या कुछ है अभी, अभी कुछ नहीं है। डी आई आर करके एंटर मारूंगा, कुछ नहीं है जी, खाली है। सी एल एस करके स्क्रीन साफ कर लूंगा मैं, ठीक है। मान लो कि मैं इस फोल्डर से बाहर आना चाह रहा हूँ, नहीं पहले डिलीट करूंगा अब इसी फोल्डर को, ठीक। तो आर डी ए, आर डी कमांड से डिलीट करना बताया था, आर डी करके इसी फोल्डर में इसी फोल्डर का नाम डाल दूंगा। बोल देगा द सिस्टम कांट फाइंड द स्पेसिफिक, कांट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, मतलब इस फोल्डर के अंदर ये कोई फोल्डर नहीं है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सी डी डबल डॉट करके पीछे आऊंगा, फिर पिछला कमांड आर डी करके चलाऊंगा, ये कमांड एंटर मारूंगा, तो क्या होगा, ये फोल्डर जो है, ये देखिए मेरा जो है फोल्डर खुला था लेकिन अब बंद कर दिया, ठीक, डिलीट हो गया। जैसे ये देख ली, यहाँ पे माई फोल्डर खुला है ना, जब माई फोल्डर को डिलीट करूंगा तो ये लोकेशन मेरा खुल गया रहेगा पहले ही, क्यों, क्योंकि ये डिलीट हो गया तो यही खुलेगा ना। चलिए दिखा रहा हूँ अभी आपको, सी डी डबल डॉट आ गया सी ड्राइव में, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, आर डी स्पेस माई फोल्डर एंटर, स्पेस नहीं था, ये देखिए हो गया, फोल्डर रिमूव हो गया होगा, ये देखिए फोल्डर यहाँ पे डिलीट हो गया है ना। तो आईडी से फोल्डर डिलीट हो जाएगा, एमडी से बनेंगे बनेगा। एमडी का एक ऑल्टरनेटिव कमांड है जिसको बोला जाता है एमकेडीआईआर, इससे भी फोल्डर बनता है, ठीक, लिनक्स वगैरह में भी यूज होता है शायद, ठीक है। अब इसमें मैं फोल्डर का नाम डालूंगा, फोल्डर स्पेस मारा, फोल्डर बन के रेडी हो गया, ठीक, फोल्डर बना कहीं, ये देखिए फोल्डर बन गया ना। तो एम के डी आई आर से भी फोल्डर बनता है, और फिर आर एम डी आई आर से भी फोल्डर डिलीट होगा, ठीक है। आर आर एम डी आई आर नहीं, आर डी आर एम डी आई आर, ये देखिए आर एम डी आई आर से भी फोल्डर रिमूव हो गया मेरा, यहाँ पे फोल्डर नहीं दिख रहा है ना। तो आर एम डी आई आर से फोल्डर डिलीट हो गया, एम के डी आई आर से फोल्डर, ये देखिए बना फोल्डर, एम के डी आई आर किया, फोल्डर बन गया, ठीक है। फिर आर एम डी आई आर में करूंगा, ठीक है, आर एम डी आई आर, तो फोल्डर वो डिलीट हो जाएगा, ठीक। ये देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको लाइव दिखाऊं कि ये देखिए डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एम, यहां पे आप ध्यान से देखना, एंटर मारा फोल्डर बन गया, फिर एंटर मारूंगा डिलीट हो जाएगा, ये देखिए डिलीट हो गया, तो यही सही हो रहा है, ठीक है। फिर से एक मैं फोल्डर बनाता हूँ एम के डी आई आर से, माई नाम से फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर में जा रहा हूँ एम वाई एंटर, ठीक। इस तो फोल्डर बनाना और फोल्डर डिलीट करना, ये तो आप सीख गए ना। अब सीखते हैं फाइल बनाना, ठीक। एम डी स्पेस डबल कोट एम वाई फोल्डर डबल कोट एंटर, ऐसे मैं किया, ठीक है। तो अब माई नाम के फोल्डर के अंदर माई फोल्डर नाम से बन गया एक और फोल्डर, ठीक। ये डबल कोट में किनारे किनारे क्यों दिया हूँ, वो इसलिए दिया हूँ ताकि मैं फोल्डर के बीच में स्पेस दे सकूँ, ठीक। अब इस फोल्डर के अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, सी डी स्पेस डबल कोट माई स्पेस फोल्डर, ठीक, एंटर मारा, इस फोल्डर के अंदर में आ गया, ठीक। तो अगर फाइल के नेम के बीच में स्पेस हो तो ऐसे आप कर लिया करोगे, लेकिन आप मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि अगर आपने डबल कोट नहीं दिया तो क्या होगा, दिखा दे रहा हूं जी क्या होगा। मैं अभी फोल्डर माई फोल्डर के अंदर हूं ना, मतलब इस फोल्डर के अंदर हूं, मार दिया एंटर, देख लो क्या होगा, दो ठो फोल्डर एक के साथ बन गया,
तो एक साथ एक से ज्यादा अगर आपको फोल्डर बनाना है तो आप क्या करोगे, नाम इस पे ऐसे के टाइप ऐसे करते जाओगे और मार दोगे एंटर, देख लो इतने फोल्डर बन गए जी। ठीक, बन गया ना एक बार में, कितना मैजिक वाला बात है भाई। अब क्या करूंगा, RD टाइप करूंगा, एंटर मारूंगा और एक बार में सारा फोल्डर डिलीट। ठीक, डिलीट हो गया ना, तो ऐसे आप भी फोल्डर बना लिया करना, डिलीट कर लिया करना। ठीक, MD किया था माई फोल्डर, अब RD कर दूंगा या फिर RMDIR कर लूंगा। ये देखिए एक फोल्डर भी डिलीट हो गया, मैं एक फोल्डर बैक आ गया। ठीक, इतना सबको क्लियर है ना कि अगर फोल्डर बनाना कैसे है, डिलीट कैसे करना है, उस फोल्डर पे जाना कैसे है, और फोल्डर के नाम में अगर स्पेस देना है तो कैसे, एक साथ एक से ज्यादा फोल्डर बनाना है या डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा, ये सब क्लियर क्लियर है ना। एक चीज आपको और बताता हूं, राइट क्लिक किया, आया यहां पे न्यू पे, इसको मैं बाद में और ज्यादा बता दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक, यहां बना दिया CREATE क्रिएट फोल्डर। ठीक, मैं एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं आप देखो ना क्या काम कर रहा हूं। होम, इसमें आऊंगा, ये बोल रहा है फाइल नेम एक्सटेंशन, इस पे मैं क्लिक किया तो ये एक्सटेंशन शो करने लगा। ठीक ठीक है, यहां पे आऊंगा लिखूंगा BAT अब इसको करूंगा मैं एडिट। ठीक, हो जा भाई एडिट, MD। ठीक, सेव कर दिया। ठीक है, ये बन जाएगा फोल्डर तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हमारा बिगड़ेगा क्या, ये देख लो बन गया ना फोल्डर। क्या किया मैं, ये देख लो, डॉस में जो मैं लिखता था ना उसी इंस्ट्रक्शन को, उसी निर्देश को एमडी के साथ मैं यहां लिख दिया ना, और फिर क्या किया इसको .BAT मतलब बैच नाम से सेव कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, अगर डॉस प्रोग्रामिंग का मतलब बैच प्रोग्रामिंग का अच्छा आपको समझ है तो आप कुछ भी बना सकते हो। आप ऐसा स्क्रिप्ट भी बना सकते हो इससे कि बस कोई एक बार डबल क्लिक करे और कंप्यूटर पूरा क्रैश हो जाए। ठीक, कंप्यूटर पूरा खराब कर दे, कुछ इस तरह का आप स्क्रिप्टिंग भी बना सकते हो इससे। ठीक, ये क्लियर, फिर RD लिख दूंगा और सेव कर दूंगा कंट्रोल से, फिर इस पर डबल क्लिक मारूंगा, लो फोल्डर डिलीट हो गया ना पूरा। तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक, इसी ये एक तरह का फाइल ही है ना, फाइल ही तो है एक तरह का। ठीक, इसको मैं क्या करता हूं, डिलीट करता हूं डॉस के सहायता से, अपने इसी डॉस के सहायता से करूं डिलीट। देखिए डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड होता है, RD होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, फाइल को नहीं। राइट, DEL कमांड से जहां तक मुझे याद है, डबल कोट इसलिए दे रहा हूं ताकि स्पेस भी है, क्रिएट स्पेस फोल्डर .BAT। ठीक, हो गया, एंटर मारा, डिलीट हो गया। ठीक, अब फाइल बनाना कैसे है, फाइल डिलीट कैसे करना है तो आपने देख लिया ना। अब एक डेल कमांड है, दूसरा डिलीट भी है। ठीक, मिनिमाइज, ये देखिए यहां से जो डिलीट किया वो रिसाइकल बिन में भी नहीं गया है। ठीक, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे नहीं, इसको ओपन कर दूंगा, मैं इसको खोल दूंगा। ठीक, अब ये वाला जो फाइल है यहां तो मैं ओपन करके रखा था, इसीलिए इसमें कंटेंट है, सेव करके फिर से सेव करूंगा इसको, इसमें फिर से आ गया ना। चलिए
यहां पे फिर से एक फाइल आ गया। अब डिलीट का ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको पूरा ही लिख दो ना, एंटर। अच्छा नहीं लेगा क्या ये पूरा, या फिर मैं स्पेलिंग गलत लिखा हूं? नहीं स्पेलिंग तो मेरा सही ही था, नहीं डिलीट को नहीं लेता है, शायद नहीं लेता है डिलीट को। ठीक है, तो डेल कमांड से आप डिलीट कर लोगे फाइल। ठीक, एंटर किया, डिलीट हो गया। अब इसी बैच को मेरे को बनाना है डॉस के जरिए। ठीक है, डेल से क्या होगा, फाइल डिलीट होगा, और आरडी से या आरएमडीआईआर से डायरेक्टरी रिमूव होगा। ठीक, चलिए जी, अब हम सीखते हैं फाइल बनाना। फाइल कैसे बनेगा, उसका कमांड है कॉपी स्पेस कॉन। ठीक, कॉपी कॉन जो है वो कमांड का नाम है। अब मैं स्पेस दबाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, जो मैं बैच फाइल बनाया था उसी को बनाऊं डॉस के जरिए, या फिर कुछ टेक्स्ट फाइल बनाऊं? टेक्स्ट फाइल बना दूं, टेक्स्ट फाइल ही बना देता हूं, जैसे माई एड्रेस डॉट टी एक्स टी। ठीक, कॉपी कॉन, कॉपी और कॉन, फिर स्पेस। ठीक है, कॉपी स्पेस कॉन है इसमें। ठीक है, डॉट स्पेस माई एड्रेस डॉट टी एक्स टी, नाम से मैं फाइल बनाया, एंटर मारा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ भी चीज टाइप करना शुरू कर दूंगा, जैसे ए डबल डी एड्रेस कॉलन दिया, स्पेस दिया, फिर लिख दिया आई एन डी आई ए कंट्री। ठीक है, इंडिया कंट्री है। अब क्या करूंगा, फिर एंटर मारूंगा, कुछ भी टाइप कर दूंगा इसमें। ठीक है, अब देखना, जहां यहां पे मैं लिखे एंटर मारा तब ये फाइल बना है ना, ये देख लो, डबल क्लिक किया, ये देख लो आ गया इसमें इंडिया कंट्री। ठीक है, फिर यहां पे मैं करूंगा एंटर, अब ये दूसरा लाइन भी इसमें सेव हो गया। ठीक, ये देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा कि अब कमांड को यहां से अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो भी ये फाइल सेव ही रहेगा। ठीक, लेकिन इस फाइल को सेव करने के लिए कमांड क्या है, कंट्रोल जेड। ठीक, अब एंटर मारूंगा तो ये फाइल जो है सेव हो चुका। ठीक, ठीक है, तो फाइल को सेव कैसे किया जाता है डॉस में, कंट्रोल जेड दबाना चाहिए और एंटर मारना चाहिए। ठीक, चलिए मैं पिछला कमांड दोहराता हूं, माई एड्रेस डॉट टी एक्स टी है, माई एड्रेस डॉट वन डॉट टी एक्स टी करूंगा, अब एंटर मारूंगा, फिर इसमें कुछ लिखूंगा, फिर एंटर करके कुछ लिखूंगा। ठीक है, यहां पे ये बन चुका है एक और फाइल। ठीक है, अब मैं इसको मैं कर दूंगा क्लोज, तो भी ये फाइल जो है बन के तैयार है, इसमें डेटा है। ठीक, लेकिन कमांड खोलने का एक और तरीका जान लो, यहां पे आप आइए, इस पे क्लिक करो, सी एम डी लिख के एंटर मार दो। ठीक, इसी डायरेक्टरी पे सीधा खुल गया मेरा डॉस। ठीक, या फिर क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। ठीक, यहां पे बोल रहा है ओपन पावर सेल विंडो हेयर, इसमें विंडो 10 में पावर सेल खुलता है। ठीक है, और विंडो 7 होता तो मेरा कमांड खुल जाता, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता। ठीक, चलिए जी, फिर देखते हैं, आप डॉस के जरिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और वो समय ज्यादा ले रहा है या हैंग वैंग जैसा कुछ स्थिति आ गया, तो आप क्या काम करोगे, बता रहा हूं क्या काम करोगे, करोगे क्या, कंट्रोल प्लस सी। ठीक, तो जो रहेगा, प्रोसेस चल रहा होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैं क्या बताऊं, मैं फाइल बना के ही बता देता हूं, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस डॉट टी एफ टी एंटर, ये देखिए। ठीक, ये मैं लिख रहा हूं, एंटर दबाया, तीनों लाइन मेरा सेव हो चुका है इस फाइल में। ठीक, अब यहां से मैं क्लोज करूंगा तब सेव ही रहेगा। ठीक है, या कंट्रोल जेड दबा के एंटर दबाऊंगा तो भी होगा। ठीक है, या फिर सेव करने का कोई और तरीका है, हाँ है, क्या, F8 दबाऊं, क्या दबाऊं,
मुझे याद आ नहीं रहा है। सबको दबा के देख ले, F6 दबाऊं? हाँ इससे तो हो जाएगा। अब F6 दबाया, ठीक है, एंटर मारा, हो गया। ठीक है, तो Ctrl Z करके एंटर कर लो तो भी फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या आप लिख के एंटर कर दो, ये देखिए लिखा, ठीक है, बन गया फाइल। अब F6 दबाऊंगा और एंटर करूंगा तो भी मेरा फाइल जो है सेव हो जाएगा। ठीक ठीक है ना, लेकिन M लिखा .txt, ठीक, एंटर मारा, कुछ कंटेंट लिखा, कुछ कंटेंट लिखा, कुछ कंटेंट लिखा। मैं आपको बोला था कि फोर्स फिल्लू अगर कोई इंस्ट्रक्शन को कैंसिल करना है डॉस में तो Ctrl C दबाना चाहिए। ठीक, मैं भी Ctrl C यहाँ पे दबा देता हूँ। ठीक, मेरे फाइल का क्या नाम है, ACMMMMM, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब ये 3 लाइन जो मैं टाइप किया हूँ वो इसमें अभी सेव हो गया है। ठीक है, सेव हो गया है ना, लेकिन यहां पे मैं आके Ctrl C दबा दिया, अब देख लो टर्मिनेट हो गया, ये देखो। लेकिन इस फाइल को सेव करके टर्मिनेट किया, शायद मुझे लगता है कि ये विंडो 10 है इसलिए किया, विंडो 7 में शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला बार मैं जब डॉस आपको बताऊंगा तो मैं विंडो 7 पे ओपन करके बताऊंगा। ठीक है, तब इसका भी परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि 7 में ऐसा नहीं होता है, इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन मुझे कंफर्म याद नहीं है अभी। ठीक है, तो फाइल बनाना आप लोग सीख गए ना, सीख गए फाइल बनाना। चलिए अब फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं सबको बारी बारी से। myAddress.txt स्पेस SEM.txt स्पेस SEMM.txt, एंटर, एक साथ सारा फाइल डिलीट। फिर किया मैं डेल स्पेस माई एड्रेस 1.txt स्पेस SEMMM.txt डिलीट, सारा फाइल में डिलीट कर दिया। ठीक है, ये लो इस विंडो को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से एक ठो फाइल बनाता हूँ। ठीक है, कॉपी, कौन से फाइल बनेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे एड्रेस नाम का फाइल बनाता हूँ। ठीक, एंटर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, ऐसा मारा, एंटर मारा, इस टैब मारा। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिख दूँ, कंट्री INDIA, एंटर, टैब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट DIS स्पेस बलरामपुर। ठीक है, एंटर मारा। ठीक है, अब मेरे पास अभी इतना ही एड्रेस है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, या तो Ctrl Z दबा के सेव कर लूंगा या फिर F6 दबा के सेव कर लूंगा, और एंटर मार दिया दबाने के बाद। ठीक है, ये फाइल जो है सेव हो गया। ठीक, हो गया ना सेव। अब मुझे अब याद आ रहा है कि इस फाइल में कुछ बदलाव करना था। ठीक, बदलाव क्या करना था कि इसमें पिन कोड भी जोड़ देता हूं। ठीक, तो कैसे जोड़ूंगा, आराम के साथ जोड़ दूंगा, EDIT, एडिट कमांड से जो है एडिट किया जाता है फाइल, इंटर मारूंगा। ठीक है, CLS, ठीक है, EDIT एडिट स्पेस ADD.txt, एडिट कमांड काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं कुछ लगता है गलती कर रहा हूं यहाँ पे, क्या गलती कर रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम है। HELP EDIT एंटर, ओ, ठीक
ये बात है। EDIT स्लैश ऐसा एंटर, क्या बोल रहा है? फिर भी नहीं कर रहा है। एडिट कमांड लिखा कैसे जाएगा? HELP एंटर, इशू करता हूँ बड़ा। एडिट कमांड कैसे होगा? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? एडिट कॉपी कौन, इससे तो फाइल बनेगा। EDIT, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और फिर यहाँ पे आता हूँ CMD, इसको करता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, ये खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, CD लिखूँगा, स्पेस मार के V कर दूँगा। ठीक, इसको मैं कॉपी करूँगा, ये तो यहीं पे ये खुल गया, क्लोज कर दिया। जाओ भाई, इसमें आऊंगा और फिर इस वाले में जाऊंगा, फिर इस वाले में जाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और फिर यहाँ पे आके पूरा बैक करके CD लिख के स्पेस डाल के ये करके एंटर मार दूंगा, तो भी यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। EDIT लिख के एंटर मारूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में किया, फिर भी ये वो नहीं चल रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि चलता तो है। शायद हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा होऊंगा। ठीक है, address.txt स्पेस EDIT, ऐसे ट्राई करते हैं, शायद कुछ हो जाए। अच्छा, ऐसे होगा। चलो जी, काम तो कर गया। ये देख लीजिए, अब एडिट किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडिट का विंडो ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ करूंगा तो एडिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डॉस के थ्रू एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एडिट कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी बदलाव करके क्या करूंगा, कर दूंगा सेव, लेकिन मैं डोंट सेट यहाँ सेव यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख के एंटर करूंगा तो भी वो खुल ही जाएगा। ठीक है, इस फाइल का कंटेंट को पढ़ना कैसे है? ठीक, तो कंटेंट को पढ़ना है तो आप क्या करोगे, TIP टाइप कमांड लिख के एंटर मार दोगे तो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, स्पेस दे दो, address.txt एंटर। ये देखिए कंटेंट इसका आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप फाइल के अंदर का कंटेंट को पढ़ लोगे। ठीक, क्लियर है सबको? एडिट मेरा क्यों नहीं काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, देख लेंगे बाद में कभी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? क्लियर है ना सबको? चलिए जी, सबको क्लियर है तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है, बाकी कितना टाइम हो गया, बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए।